रात तक पेट्रोलिंग करने व चोरों की वारदातों को रोकने के बेतहाशा प्रयास करती है, तो वहीं दूसरी ओर सक्रिय चोर भी मौका देख शहर के बीचों बीच कई दुकानों पर सट्टा रुचकाकर सेंध लगा जाते हैं। ऐसा ही एक वारदात इंदौर के कृष्णपुरा छतरी के पास कपड़े की दुकान पर हुआ, जहां लाखों का माल चोर उड़ा ले गए। दुकानदार अब्दुल कयूम व अब्दुल शाकिर ने बताया कि उनकी दुकान कृष्णपुरा छतरी के पास शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा के समीप है, जहां रात को करीब 11 बजे वह दुकान बंद करके घर चले गए। सुबह चौकीदार का फोन आया और उसने दुकानों पर चोरी होने की सूचना दी। दुकान मालिक जब दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संबल की मदद से कई शटर उचका गई है तो कहीं ताला चटका गया है। बताया जा रहा है कि दोनों दुकानों से लाखों का माल गया है, वहीं लाखों रुपए नगद भी चोरी हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये जो है मतलब रात को लगभग 11:30 बजे हम दुकान बंद करके गए थे। उसके बाद जो है सुबह चौकीदार आया, ऊपर चौकीदार रहता है, तो उसने 8 बजे खबर की, बोला साहब वो आपका जो नीचे है कुछ ताले टूटे, वो ऊपर जो है संबल से जो कुछ हुआ है वो, तो उस पर अगर ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई मतलब बालक अंदर घुसा, उसके साथ कोई मतलब जानकार कोई आदमी हो सकता है मतलब। उसके अलावा फिर वो अंदर घुसे, कुछ मतलब पैसे कुछ कैश थे, मतलब एक कितना कैश था आपके पास? 1.22 के लगभग कैश था सर, और कुछ मतलब उसके अलावा माल वगैरह था, मतलब टोटल मतलब 1.30 के लगभग माल था हमारा, और 1.22 1.20 के लगभग कैश थे हमारे। लगभग कितने का माल ले हो रहे हैं? लगभग मान के चले 2.5 लाख के लगभग। नहीं वो सर वो थोड़ा कैमरे में आ नहीं पाए, वो कैमरा वैसे बंद था। ये सुबह चोरी हुई, सुबह सूचना मिली 8 बजे। किस प्रकार की चोरी और क्या क्या? ये शटर उचका के चोर अंदर घुसे और गले से जो 1,20,000 रुपये लेगा और 1,70,000 रुपये करीब माल लेगा, जो जींस वगैरह थी, जींस शर्ट जॉकेट वगैरह थी।